press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, welcome back to Technoxity. This is Adnan Ahmed back with another video. सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन बाइंग गाइड 2021 के बारे में। तो इधर मैं कोई फ़ोन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई फ़ोन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। इधर मैं सारे बेसिक फीचर्स जो आपको देखने चाहिए अगर आप एक फ़ोन परचेज कर रहे हैं 2021 में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑल राइट गाइस, सबसे पहला फीचर जो आपके दिमाग में आता है जब आप एक फ़ोन के बारे में सोचते हैं तो उसका रैम। तो रैम आपको चाहिए होगा गाइस मिनिमम 4GB। 4GB रैम के स्मार्टफोन शायद ही आएंगे इस साल, क्योंकि OS इतने बेहतर हो गए हैं, एप्लीकेशन इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्हें ज़्यादा रैम चाहिए और ज़्यादा स्टोरेज। तो कंपनीज़ भी फोकस करेंगी मेनली 6GB रैम के फ़ोन्स पर। अगर आप 2021 में एक फ़ोन कंसिडर कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 6GB रैम होनी चाहिए। अगर आप 4 पर भी जा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल है 6GB रैम। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। तो अगला फीचर आता है गाइज स्टोरेज। स्टोरेज 64GB एक नॉर्मल बन चुका था ऑलमोस्ट 2019 से 2020 तक, लेकिन अभी गाइज 64GB भी बस नहीं आ रहा लोगों को, क्योंकि अगर आप एक WhatsApp के फैमिली ग्रुप में हैं तभी आप सोच सकते हैं कि दिन में कितने मैसेजेस हाय गुड मॉर्निंग के इमेजेस के साथ आते हैं और आपका स्टोरेज एक ही दिन में भर जाएगा 64GB। तो अगर आप 10-15 ग्रुप में हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि आपको एक SD कार्ड खरीदना पड़ेगा। SD कार्ड से बेहतर होगा कि आप इंटरनल स्टोरेज पर ध्यान दें और एक 128GB का बेसिक स्मार्टफोन खरीद लें, क्योंकि 128GB प्लस 6GB रैम एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है और कंपनीज भी बहुत सारे ये चीज़ें ऑफर भी करती हैं। और गाइज उसके बाद आता है गाइज प्रोसेसर गाइज अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं एक ठीक ठाक प्रोसेसर ले लूँगा, काम चलाऊ प्रोसेसर और फिर सारा साल निकल जाएगा या 2-3 साल निकाल लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आएंगे, एंड्रॉयड 11 भी आ रहा है। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक बेहतर प्रोसेसर। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये मेन पार्ट हो जाएगा कि आप एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर का फ़ोन विद बहुत ही बेहतर रैम चाहिए आपको, एटलीस्ट 8GB या एटलीस्ट 6GB सॉरी, और 8GB प्रेफरेबल है, और उससे ज़्यादा अगर आप जा सकते हैं तो वो भी ले लीजिए अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं। तो उसके बाद गई जाता है उसका डिस्प्ले। डिस्प्ले आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, IPS LCD विद 90Hz में कंफर्टेबल हैं या 120Hz या 144Hz, या फिर आप एक AMOLED डिस्प्ले चाहते हैं या फिर AMOLED विद 90Hz। तो इस तरह डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, प्रेफरेबली एक AMOLED वाला फ़ोन, लेकिन AMOLED ज़्यादातर सैमसंग के आते हैं और सैमसंग के फ़ोन्स उतने पावरफुल नहीं होते क्योंकि उनका प्रोसेसर उतना पावरफुल होता नहीं है। अगर आप जाकर YouTube पर रिसर्च कर लेंगे बेस्ट फ़ोन्स अंडर दिस सेगमेंट, ये अगर आप डिस्प्लेज की बारे में सर्च करें, सारे फिल्टर्स अप्लाई करके आप सब कुछ मिल जाएगा आपको YouTube पर। फिर उसके बाद आता है गाइस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी तो ये भी आपकी चॉइस है कि आप ग्लास बिल्ड चाहते हैं या पॉलीकार्बोनेट या फिर कोई प्लास्टिक बिल्ड, आप देख लीजिए कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। और गाइस बेहतर बाइंग टाइम कि आपको कब फ़ोन परचेज करना पड़ेगा करना चाहिए और कौन सा कंपनी का कब ख़रीदना चाहिए या फिर कौन सा मॉडल ख़रीदना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं अभी तो चेक कीजिए कि कौन सा फ़ोन सबसे लेटेस्ट वाला है, क्योंकि उसके एंड्रॉयड अपडेट्स या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स या फिर मोबाइल के एप्लीकेशन के तो सारे अपडेट्स सभी फ़ोन्स पर मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े फ़ोन्स आउटडेटेड हो जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत उधर आ सकती है। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो कंपनीज प्रॉमिस करते हैं मिनिमम 2 ईयर्स अपडेट्स के लिए, 2 साल तक कंटिन्यूसली पुश करते हैं। तो अगर आप एक 2019 वाला फ़ोन 2021 में ख़रीदेंगे तो बस आधे साल में उसके अपडेट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो वेट कीजिए कि कौन सा नया फ़ोन 2021 में लॉन्च होगा, क्योंकि उसके अपडेट्स आपको आपके फ़ोन को ऑप्टिमाइज रखेंगे ज़्यादा टाइम तक। तो अगर आपके पास नए अपडेट्स आ रहे हैं तो आपका फ़ोन साथ में चल सकता है, आपके OS की स्पीड रैम के साथ मैच होना शुरू हो जाएगी और प्रोसेसर भी उसके हिसाब से काम करता रहेगा और आपको एक सीमलेस परफॉर्मेंस मिल जाएगी।
तो इतना ही था गाइस एक स्मार्टफोन बाइंग गाइड के लिए। और ज़्यादा डिटेल्स बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग भी देखेंगे नहीं। अगर आपको ये 4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी वैल्यू ऐड हुई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। गुड बाय।